आज मैं खेल रहा था ग्रेनी 3। और भाई बहुत दिन के बाद आज मैं ग्रेनी खेल रहा हूँ, क्योंकि भाई आपने बहुत सारे मेरे वीडियो देखी हैं और इस समय मेरी ग्रेनी की कोई वीडियो नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं डाल रहा हूँ तो आपने नीचे जाकर मेरे वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। यार व्यूज़ नहीं आ रहे इसलिए मैं आज वीडियो नहीं डाल रहा था। मैं सोचता हूँ और गेम्स ट्राई करता हूँ, बट यार उनमें व्यूज़ नहीं आ रहा, तो मैं सोचा ग्रेनी ही डाल के देखता हूँ। चलो यार ग्रेनी का ही कॉन्टेंट बनाया जाए। तो मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेके आ चुका हूँ दोस्तों। ये स्टोरी होती है एक हवेली की, और ये हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी हवेली है, और दोस्तों ये 100 साल पुरानी हवेली है, और यहाँ पर भूत ही भूत जमा है भाई। ये देखो पहला भूत, और देखो भाई ये ग्रेनी फिर से यहाँ पर परेशान करने आ रही है भाई हर जगह पे। मतलब समझ लीजिए आत्मा इसी इसको बुलाया, इस आत्मा ने दूसरे आत्मा को। अब यहाँ पर भाई मारने के बाद मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मंजन करके निकल लेता हूँ उस तलाश में जहाँ पर मुझे एक कार चाहिए, और उसी कार से मुझे निकलना इस घर से, क्योंकि भाई ये हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी हवेली है, और भाई ये 100 साल से 500 साल पुरानी हवेली है। और इसके जो यहाँ पर देखो सामान है जो टूटे फूटे पड़े हैं, अगर आप थोड़ा सा भी उनको छू दोगे तो दोस्तों तुरंत टूट जाएंगे, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा सड़ चुके हैं भाई। अब ये हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी, इनमें जो आत्माएं हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी शक्तिशाली आत्माएं हैं, और भाई उनमें भटक रही हैं और हर जगह कोने कोने में छिपी हुई हैं। और भाई यहाँ पर जो भी बंदा आया है वो वापस भी नहीं आया, क्योंकि भाई यहाँ पर आने वाला भी डर जाता होगा, क्योंकि भाई वो जो लोग यहाँ पर रह चुके हैं उनको ही पता होगा दोस्तों, वो यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर रह के। तो चलो दोस्तों मैं आपको स्टोरी के आगे बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखो ये बंदा क्या कर रहा था भाई, यहाँ पर देखो आराम से। अब दोस्तों यहाँ पर देखना भाई, जैसे मैं इस साइड आता हूँ यहाँ पर आने के बाद ये बंदा इतना डर जाता है आवाज़ें सुनकर, क्योंकि भाई यहाँ की आवाज़ें छोटी छोटी आवाज़ें हैं और इतनी डरावनी आवाज़ें हैं। यहाँ पर जैसे ये बंदा इधर जाता तो इसको एक भूत दिखाई दे देता है, और उसी सदमे में ये बंदा इतनी तेज भाग के वहाँ और कहीं साइड चला जाता है। अब इसको इस बंदे को मिल चुका था इंजन पार्ट गाड़ी का, वही इंजन पार्ट लेके ये गाड़ी पे लगाने जा रहा है, और चूँकि ये भी एक गाड़ी जो कि भूत गाड़ी है, भूत ही से समझ लो दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर चलाने वाला सिर्फ भूत ही है और हम सिर्फ पार्ट्स जोड़ के इसको चला सकते हैं, वरना ये भूत ऑटोमेटिक चला सकता है, क्योंकि भाई ये भी एक कार भूतिया है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर भूतों ने बनाया है। और यहाँ पर देखो भाई यहाँ 500 साल पुराने शॉटगन के टुकड़े भी इधर से उधर पड़े हैं, अगर आप उन टुकड़ों को जोड़ दोगे तो आपको ये शॉटगन चलाने को मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे ये बंदा थोड़ा सा इसमें अगर शोर मचा दोगे तो आपका जो भूत प्रेत है आपके पीछे पड़ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों एक भूत प्रेत सीढ़ियों से आ रही होगी, आपने देखा होगा, तो ये बंदा डर के मारे उसका चेहरा ना देखते हुए आगे चला जाता है। अब आगे जाने के बाद इसके साथ देखना क्या होता है। अब यहाँ पर ये बंदा जैसे ही इस साइड आता है, यहाँ पर आने के बाद इसको कुछ तो मिलता नहीं है, बट और कहीं चला जाता है, अच्छा यहाँ पर सीढ़ियाँ देख रही हैं और इधर चला जाता है। इधर जाने के बाद ये हवेली भाई यार देखो स्पार्क प्लग पड़ा है गाड़ी का, अभी तो इसको कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि इसको शॉटगन चाहिए, ये बंदा शॉटगन के पीछे ही पड़ा है। अगर भाई इसको शॉटगन नहीं मिलती ये बंदा अपनी जान दे सकता है। यहाँ पर शॉटगन का पार्ट मिल चुका है, ओके, तो देखते हैं क्या ये शॉटगन जोड़ पाएगा, क्या आपको लगता है ये शॉटगन जोड़ पाएगा या फिर इस घर से निकल पाएगा। अब देखो भाई इसके इस बंदे के साथ यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस पार आता है यहाँ पर गैलेन इसको घेर के यूँ मार देती है। अब भाई यही थी वीडियो दोस्तों, यार लाइक कर देना और